देखो आज के टाइम पे ना वीडियो एडिटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है आपके वीडियो के लिए। अगर आप यूट्यूबर होना है तो आपको वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, और ये चाहिए भी क्योंकि तभी आप अपने ऑडियंस को ग्रैब कर पाओगे, उनको रोक के रखोगे अपने वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक अपनी अच्छी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो कि वीडियो एडिटिंग है। और कैसे सीखोगे, क्या करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करना है, पीसी से करना है, लैपटॉप से करना है या फिर फ़ोन से करना है, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो एडिटिंग करनी क्यों है और कितनी अच्छी करनी है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी करनी है ना कि ताकि आपकी ऑडियंस रुक जाए आपके वीडियो पे, ठीक है। तो आपको इतना तो आपको सीखना पड़ेगा, और यार दिन के 2 घंटे अगर देते हो ना आप तो बहुत ही आराम से वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे। अगर आपने 1 हफ्ते भी दे दिए ना, अगर समझ लो आज 2 घंटे दिए, कल 2 घंटे दिए, कल 1.5 घंटे दिए ना, तो ऐसे करते आप 1 हफ्ते के अंदर ही, मैं बोल रहा हूँ, आप सीख जाओगे। तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि मैंने कैसे एडिटिंग सीखी और मैंने कितनी सीखी है, कितनी करनी चाहिए एडिटिंग वीडियो में, ठीक है। ताकि ऑडियंस को आप रोक लो खाली, ठीक है। आप एक अच्छा कंटेंट बनाते हो, आप अच्छा टाइटल रखते हो, आप अच्छा थंबनेल रखते हो ना, तो फिर बस काम खत्म हो गया। एडिटिंग एक अच्छी कर लो फिर तो यार ऑडियंस रुकनी ही है, ठीक है। फिर करना क्या है उसमें, तो आपको इतना सही करना है कि एक अच्छी स्किल डेवलप करनी है वीडियो एडिटिंग के लिए ताकि आपका काम हो जाए यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि कैसे करोगे। तो देखो 2 एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ मैं, ज़्यादातर मैं पावर डायरेक्टर यूज़ करता हूँ या फिर आप काइन मास्टर भी यूज़ कर सकते हो। मैं पावर डायरेक्टर यूज़ करता हूँ क्योंकि थोड़ा उसमें इजी हो जाता है काम, और काइन मास्टर तो इजी है ही भाई, बहुत फेमस काइन मास्टर है, ठीक है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, दोनों आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना और उसको यूज़ कर सकते हो इस वीडियो की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो एडिटिंग करनी क्यों है और किस लिए करनी है। देखो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं काइन मास्टर और फिर पावर डायरेक्टर में, जिसको आप यूज़ करके ना वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। जिससे आपकी ऑडियंस वहाँ पे रुकेगी, आप थोड़ा सा ग्राफ, थोड़ा सा मोशन, थोड़ा सा एनिमेशन, थोड़ा सा इफेक्ट डालते हो अगर अपने वीडियो में, तो बहुत कमाल की वीडियो बनती है। और एक बात और, कैप्शन बहुत लगाना ज़रूरी है। कैप्शन तो यार भर भर के लगाओ अगर आप लगा सकते हो तो, क्योंकि ना वो उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है आपका आपके वीडियो के लिए, ठीक है। ऑडियंस को रुकना ही है तो, क्योंकि कैप्शन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आप थोड़ा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा कैप्शन अगर लगा देते हो ना वीडियो में, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है वीडियो, आधा काम आपका 50% वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आपने थोड़ा एनिमेशन डाल दिया, थोड़ा इफेक्ट डाल दिया, फिर तो यार काम ख़त्म हो गया, फिर तो आपकी वीडियो रैंक करनी ही है। इसीलिए वीडियो एडिटिंग ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लेके चलता हूँ पावर डायरेक्टर पे, क्योंकि मैं पावर डायरेक्टर से यूज़ करता हूँ। तो इसमें आपको अब वही करना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखना है यहाँ से, और क्या बता रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है। अब फिर आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ से। और देखो वीडियो एडिटिंग की जो स्किल है ना उसको डेवलप कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है यूट्यूब के लिए, क्योंकि अगर आप पीछे चलोगे ना लोगों से तो आप रैंक नहीं कर पाओगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे कभी, ना ही आपकी वीडियो, ना ही आप, ठीक है। तो जैसे जैसे दुनिया चल रही है ना वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं पावर डायरेक्टर के अंदर। यहाँ पर मैंने कैसे वीडियो एडिटिंग किए, क्या एलिमेंट यूज़ किए हैं आपको देखना है, और ध्यान से देखना है आपको कि कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपनी एक वीडियो एक्सपोर्ट करी थी यहाँ पर, मतलब इम्पोर्ट करी थी, और इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर पहला तो फॉन्ट का यूज़ किया था, या फिर मैंने उस वीडियो में ना कुछ ऐसा कॉमेडी जैसा कुछ बताया था, तो मैंने वो फोटेज मैंने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। पहले आपको स्टार्टिंग में वो ऐड कर देना है जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे ऑडियंस को देखने में, ताकि ऑडियंस रुक जाए। तो अपने पूरे वीडियो में आपने जो एलिमेंट यूज़ किया है या फिर जो फोटेज यूज़ किया ना जो थोड़ा तगड़ा लग रहा है देखने में कि भाई इससे तो रुक जाएगी ऑडियंस, बस वो आपको स्टार्टिंग में ऐड कर देना है फ्रंट में पहले, ठीक है। तो उसके बाद आपकी वीडियो स्टार्ट होनी चाहिए। स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करना है कैप्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, देख रहे हो 50-50 लगा ये वो, तो ये आपको ऐसे फॉन्ट यूज़ करना है, कैप्शन बोलते हैं इसको, आप यूज़ कर लेना, जो आप बोल रहे हो ना वो यहाँ पे लिख के आना चाहिए, वैसा आपको यूज़ करना है। उसके बाद मैंने फोटेज यूज़ की थी जो कि डिलीट हो चुकी थी, यहाँ पे शो नहीं करेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और आप जो बोल रहे हो ना, आप ग्राफ से रिलेटेड कुछ बता रहे हो ना, आप यूट्यूब शॉर्ट्स, तो उसके फोटेज यूज़ करो यहाँ पे, डाउनलोड डालो यहाँ पे डाउनलोड करके, ठीक है, तभी आपकी वीडियो अट्रैक्टिव लगेगी और ऑडियंस रुकेगी। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ यूज़ किया, जैसे ये लोडिंग का बार यूज़ किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल, लोडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी थी ताकि ऑडियंस रुके, तो इससे तो रुकनी ही है भाई, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्राफ यूज़ किया था, मैंने बताया था कि लेवल पे आप कैसे ऊपर जाते हो अगर आप अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हो, तो ये भी एडिटिंग के ऊपर ही थी वीडियो, तो मैंने बताई थी ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कुछ फोटेजेस यूज़ की थी जो पिक्साबे और पिक्सल से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइक सब्सक्राइब का एक वो बटन दिया था, सोशल मीडिया के जितने यूज़र नेम है वो लगाए थे मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये तो इससे पता चलता है कि ऑडियंस आप एक्टिव हो अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो यहाँ भी आपको फॉलोअर्स मिल सकते हैं, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये अपने फोटेज में, अपने वीडियो में आप ऐड करना,
ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो छोटी छोटी मिस्टेक करोगे स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन आगे जाके ना आपको बहुत काम देते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सब ऐड करना है। आप जो बोल रहे हो ना उसके फोटेजेस यूज़ कर लो, इमेजेस यूज़ कर लो, ठीक है, जो कि कॉपीराइट फ्री हो वही यूज़ करना। पिक्साबे और पिक्सल आपको मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है, पिक्सल्स और पिक्साबे से, ठीक है, तो वहाँ से आप उठा लो ये सारी चीज़ें। आप क्या बोल रहे हो, ग्राफ के बारे में बता रहे हो तो ग्राफ का वीडियो आना चाहिए, फोटेज आना चाहिए। कोई इमेजेस के बारे में बात करो तो इमेजेस आना चाहिए, या फिर आप कोई एक्टिंग या फिर कुछ ऐसा बोल रहे हो ना तो आप वो फोटेज वहाँ पर ऐड करो, ताकि ऑडियंस बोर ना हो। खाली बोर नहीं हो ना तो आपका वहीं पर 80% काम खत्म हो जाता है, ठीक है। लोग पूरा वीडियो देखते हैं अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बता रहे हो तो वो चीज़ होती है। यहाँ पे मैंने ग्राफ लगाया बढ़िया से, तो ये देख सकते हो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत सारे सिली फोटोज़ यूज़ किए हैं मैंने जो मुझे करने चाहिए थे और मैंने किए भी। यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब का बटन लगाया है ताकि लोग को मैंने बोला है कि आप भाई लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने कुछ चीज़ें यूज़ की है, यहाँ पे जैसे कि कुछ कैप्शन यूज़ किए हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे वीडियो में। खाली खाली नहीं, सादा सादा नहीं होना चाहिए आपका वीडियो, ये मैंने किया है। फिर यहाँ पे मैंने जो जिस बारे में बताया था वो सारे फुटेज ऐड किए हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ जो मैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया है सब्सक्राइब और लाइक का, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लाइक और सब्सक्राइब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है। देखो जितना कैप्शन हो सके उतना कैप्शन लगाओ, और एडिटिंग कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप करोगे ना, 2 घंटा दिन का देते हो ना आप, तो एक दिन में तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मैं तो 7 दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लो यार। एक ही तो स्किल है, इतना डेवलप कर लो ना थंबनेल और एडिटिंग, बस बहुत ईजी हो जाएगा ग्रो करना, बहुत ईजी हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो देना शुरू करो लोगों को। अगर आपको पता है ना क्या देना है, आपका कॉन्टेंट, आपका निश क्या है, तो वैसे ही देना शुरू करो यार, आप ग्रो करोगे। देखो टाइम लगता है हर एक चीज़ में। देखो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे भी टाइम लगेगा कहीं ना कहीं। देखो चैनल भी डिलीट हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा चैनल डिलीट हो। लेकिन हाँ, बट मैं अच्छे से मेहनत करूँगा, सब काम करूँगा ना, तो वीडियो ग्रो करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो जो फोटेज यूज़ किए हैं, कैसे कैसे यूज़ किए, मैंने क्या क्या ऐड किया, आप देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एडिटिंग कैसी होती है। फिर यहाँ पे नीचे ना मैंने वॉइस लगाई थी अपनी, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक साइलेंट बहुत लाइट म्यूज़िक यूज़ किया था मैंने, रॉक पॉप का, ठीक है। अगर आपको चाहिए ना, मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप ये ऑडियो कहाँ से ले सकते हो बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके वीडियो के लिए, ठीक है। म्यूज़िक जो होता है ना बैकग्राउंड में, तो एक सेंस बना के रखता है आपके वीडियो में कि हाँ भाई, हाँ सही, ठीक है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखो, म्यूज़िक ऐड किया, फोटेज यूज़ किया, कैप्शन यूज़ किया, ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया, सोशल मीडिया यूज़र नेम यूज़ किया। देखो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, तो आप इस चीज़ को देखो, आप देख लोगे ना एक बार कि कैसे क्या किया है। पावर डायरेक्टर में आपको सारी चीज़ें मिलती है, वैसे ही काइन मास्टर में आपको मिलेंगी, तो उस पर ध्यान देना। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करो, लेकिन हाँ, एक अच्छी वीडियो एडिटिंग करके लोगों को दो, ठीक है, ताकि आपका भी काम हो, उनका भी काम हो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ आप, ठीक है। एक बेहतरीन एडिटिंग करना सीख लो खाली, फिर तो काम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। आपको फिर कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है भाई, आपको लगेगा कि हाँ, मैं 10 लोग का और काम करके दे सकता हूँ, ठीक है, तो ऐसा। तो देखो मैंने यहाँ पे जो जो यूज़ किया है मैंने आपको बता दिया है, कट किया है, कॉपी किया, इतना तो इसमें आप देख ही लोगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कट का अगर थोड़ा मैं ऑप्शन दूँ, अगर आपको यहाँ से वीडियो को कट करना है तो यहाँ पे स्प्लिट का एक ऑप्शन है, स्प्लिट करोगे तो देखो वीडियो अलग हो जाती है। देखो इस वीडियो की अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से म्यूट, फेड इन, फेड आउट कर सकते हो, ठीक है। स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ा सकते हो, देखो ऐसे करके स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो इफेक्ट है, इफेक्ट डालना, इफेक्ट डाल दो, ग्लिच है, जूम आउट है, स्विंग है, स्कीप है, फोकस है, सब आपको एलिमेंट, सब आपको इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोशन है, स्टाइल है, ग्लिच है, ब्लर है, स्प्लिट है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एफएक्स है, स्टेबलाइजर भी है यहाँ पे, अगर वीडियो आपकी थोड़ा आगे पीछे होती है ना, स्टेबलाइजर से स्टेबल बना सकते हो आप, ठीक है। स्किन स्मूदर है, तो जिसको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकता है। फिल एंड फिट है, बैकग्राउंड है, ठीक है। रिप्लेस का ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट है, देखो वीडियो को ना जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। बहुत लोग फोकस करते हैं ना, तो आप ऐसे ऐसे आप इसको जूम कर सकते हो, आप ये पार्ट एंड में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे। फ्लिप एंड फ्लिप आउट है, ठीक है, डुप्लीकेट बना सकते हो वीडियो का कोई भी, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। स्प्लिट है, ऑडियो मिक्सिंग भी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे, आपको थोड़ा सा बेस वगैरह चाहिए आपके साउंड में, तो आप यहाँ पे ऑडियो मिक्सिंग करके टूल है, आप वहाँ से जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। ऑडियो टूल भी यहाँ पे देखने को मिलता है, वॉइस चेंजर है, डिनॉइज है, वॉइस ओवर, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, बस इतने आपके लिए काफ़ी है इतने फीचर स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पीरियड के लिए ना। ये एडिटर एक बेस्ट एडिटर बनता है, पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर दोनों में से आप चाहे जो भी यूज़ कर लेना। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप काइन मास्टर यूज़ करो, ठीक है,
फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे को ईजी जो है ना, मैं ईजी पे थोड़ा अभी फोकस कर रहा हूँ। तो ईजी है पावर डायरेक्टर, बट काइन मास्टर में आपको ज़्यादा फीचर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू पावर डायरेक्टर, ठीक है? तो वो यूज़ करना आप, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्या करना है, कैसे कैप्शन लगाना है, कैसे फुटेज कहाँ से उठाना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। इतना समझ में आ गया भाई, तो वीडियो बनाओ, शूट करो, जाके एडिट करो बढ़िया से, लोगों को दो वीडियो पब्लिश करो, तब मज़ा आएगा ना, काम करो, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, तो एक लाइक ज़रूर देना वीडियो को, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।